नाराज है यार वो मम्मा, ईमान नाराज है मेरे से यार। क्यों भजन, यहाँ पर हमारा निकाह हुआ था, सेम इसी जगह पे हमारा निकाह हुआ था, स्टेज लगी हुई थी यहाँ पे। अनहोनी अनहोनी नहीं, क्या हुआ? मेहमान पहले आ गए और मेजबान बाद में, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। चलो उठो बैठ के लगाओ। 1, 2, 3, 4। मैं आपको बता दूं, जैसे आज ईमान को बोला ना आपने, ऐसे नहीं बोला, जैसे मुझे गजल प्यारी है ऐसे मुझे ईमान भी प्यारी है। ऐसी बात नहीं आगे दोबारा करना, मैं आपको बता दूं। 6 बोले करवा दो, 1 बॉल बीट करोगे ना मैं तुम लोगों को बॉलिंग करवाऊंगा, वादा। ठीक है, चलो। मेरा पुत्र गंजा हो गया, की करिए की करिए। मम्मा जी, कहाँ से गंजा हो रहा हूँ मैं, इतने बाल है मेरे सर पे। यहाँ से गंजा हो गया, देखो हो रहा हूँ गंजा, बिल्कुल गंजा नहीं हो रहा, बिला वजह आपने जरील करवाया हुआ है, व्लॉग चल रहा है। मेरे अल्लाह पाक ने बचा लिया, की करिए की। ये बात तो सच है, गंजा होने लगा था लेकिन मम्मा ने होने नहीं दिया। मैंने कहा मेरे पास एक गंजा ऑलरेडी। कौन सा? मेरा शोर नामदार। पापा जिन्हें बनो मैं ना में घेरा लगा लाओ, आप जिन्हें बनो। पापा जी देख रहे हो ना, 3 में ना 13 में एवं लग रही है। यार मेरा शोहर है, मैंने उनको ही कहना गंजे है तो क्या हुआ। आप शोहर कह दो, आप उनको क्यों कह रहे हो कि गंजा है वो। ओहो गंजे, इतने हैंडसम, ऐसी कमाल पर्सनालिटी, टिंड होने के बावजूद भी टिंड है तो फिर क्या हुआ टिंड है तो क्या हुआ, इतनी प्यारी मूछ, ये पूरा कलफ लगा दिया आपकी दाढ़ी, कलफ तो आप लगवाते ही नहीं है, टिंड है तो फिर क्या हो गया। जितने अमीर आदमी है सबकी टिंड है, रॉक की टिंड है, डैन बिल्जेरियन की टिंड है, फिर वो एक और अमीर है उसकी टिंड है, विन डीजल की टिंड है, क्यों पापा जी है के नहीं। जितने अमीर है हमारे पाकिस्तान में, कई गंजे हैं जो अमीर है, गंजे हो रहे हैं ना, अमीर भी हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन पापा जी मैंने एक बात सोची है, मैंने एक ना बात का हिसाब लगाया, आपने इनको बहुत ज्यादा फ्री कराया हुआ। ऐसी बात नहीं करनी मेरी बेटी के खिलाफ, कोई बात नहीं करनी। नहीं मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने इनको बहुत फ्री किया हुआ। मैं इनकी क्या मजाल, कबूल है कबूल है, इन्हीं इन्हीं हरकतों उन्होंने खराब किया, इनकी क्या मजाल आपके मुंह पे आपको गंजा कर। मैं गाना नहीं गाता किसी के लिए, हाँ अपनी बेगम के लिए गाना नहीं गाता। अच्छा, वैसे मेरी बेगम मेरी जान है। ये आपने बात की है कानूनी दुकान पे, उनका बेटा पीछे खड़ा है कैमरे के पीछे। पापा जी ये आपने जो है ना औरत जात को खराब किया हुआ है, औरत जात की क्या मजाल है अपने शोहर के आगे चूं कर जाए। क्यों जी, शोहर जो है वो हिटलर अल्लाह माफ करे ऐसा वक्त। मेरी बात अभी कहता है मेरी ईमान के लिए तीनों चीजें लगा सारी खाओ जान, तो मैंने कभी नहीं कहा खाओ जान, कभी नहीं कहा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ, इतना छोरा नहीं हूँ मैं। सुन खाओ, मैं आपके लिए तीनों चीजें लगाऊ, मैं भी हसिया नहीं था तो तेल वाले हाथ ऊपर लगाई जा रहे हो। अच्छी बात है, ये नहीं मैंने कहा जी मैंने खाओ जान नहीं कहा, लेकिन लाया लाया मैं उसके लिए था, लेकिन खाओ जान हमें अच्छा लगा था, हम खुश हुए थे कि हमारे भी गया। अच्छा जी अच्छी बात है, अगर आप पे जाएंगे आपने क्या ही करना है, सख्ती दिखा दी अपनी बेगमों को, औरत में काय का जोर है, प्यार से बात करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। अच्छा जी बहुत ही मजे का व्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले एक मेरी बात सुनो जी, मैं अपने सारे बच्चों को एक कसम से पते की बात बताना चाहती हूँ, रजवेरी जो शोहर अपनी बीवी को जी जान से प्यार करता है ना, खुदा की कसम उसकी बीवी शोहर के माँ बाप को उतना प्यार करेगी जितना उसका शोहर उसको करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेगम आपके माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह प्यार करे, तो पहले आप उसको प्यार करें, वो राजी होगी तो फिर वो आपका घर भी खुश रखेगी, बिल्कुल, फिर आपका घर जन्नत रहेगा। अगर आप बीवी के पूरे करते हो ना, कसम से वो आपके माँ बाप को जी जान से प्यार करेगी, नहीं तो फिर वही होगा कि शादी ना करना, शादी ना करना, बिल्कुल ऐसे ही आसान सा नुस्खा है कसम से। अच्छा जी ऐसा है कि व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा चंपी करवा लें, उसके बाद किसी खूबसूरत से रेस्टोरेंट की हमने आज करवानी है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इसलिए करवानी है कि घर पे दावत है, घर पे इफ्तारियां कर करके मैं थक गया हूँ। मामू की जो दावत है ना आज, वो मैं बाहर जाकर आपको बताता हूँ कि किस सिलसिले में दावत है, किस चीज की दावत है। पहले मैंने सोचा अपनी टिंड बचा लें, निकलते हैं बाहर फिर बात करते हैं आपसे। पापा जी ये चीज वैसे गलत है, आपके मुंह पे आपको गंजा नहीं कहना चाहिए। पढ़ा ले बटिया, कुछ नहीं हो सकता पुत्र, मजाक कर रहा हूं यार। ओ क्या कर रहे हो मम्मा, गुस्सा गुस्सा किस चीज का निकाल रहे हो यार। गुस्सा ही निकाल, चंपिंग कर रही हो, चंपिंग चंपी का नहीं, चंपी चंपी चंपी। मिंसा आपको शर्म नहीं आती, रोजेदारों के पास बैठ के आप रोजा इफ्तार कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वो भी अंडा पराठा, शर्म नहीं आती? पागल है तू, पागल है तू है,
इफ्तारी से पहले इफ्तारी कर रही है। ये ले नहीं, मेरा रोजा है, रोजा खराब कर रही हो, मारा गुना होगा आपको। हाँ काम तुम सारे वटे वाले आते ने, पैसे तो लुवानी वटे यार, उन्हें तू छोटी है रोजा नहीं रखती, पागल तू है। जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, बाल बच्चे ठीक हैं, मेरी भाभियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे भाई, मेरे अंकल सब खैर खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपके रजब को अपनी फैमिली बहुत अजीज है। माशाल्लाह माशाल्लाह रौनकां लगियां ने, क्या बात है, फूल हमारी पार्क के जवान हो गए हैं, अल्लाह करे अब इनको कोई तोड़े नहीं। अच्छा जी आज के व्लॉग का सीन क्या है, सीन बहुत ही मजेदार है, आपको बता देता हूँ। एक दावत जो कि बहुत ही लेट हो चुकी है, बट साहब की जो हमारे शादी हुई थी, मेरे से जो छोटे हैं, मेरे मामू, छोटे मामू के बेटे, उनकी शादी हुई थी, आप लोगों ने वो व्लॉग देखे भी थे। यहाँ मैं थंबनेल दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। उनकी दावत नहीं की यार, सब की दावत कर दी, उनकी दावत नहीं की, ठीक है। एक और फैमिली भी है जिनकी दावत नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि वो रमजान के बाद आएंगे, तो उनके बाद शहजी की शादी हुई, शहजी की कर दी, इनकी दावत रह गई है। ना इंसाफी है भाईजान, मेरे मामू हैं तो उन्होंने माफी दे दी, कोई और होता तो गिले शिकवे कर करके मार देता मुझे। यार क्या मजेदार जिंदगी आपकी, जहाँ मर्जी बैठ गए हैं, पार्क का व्यू लिया, कोई टेंशन ही नहीं, मलंगा में है। आए अल्लाह करे मेरा भी बुढ़ापा डगरा हो, बेफिक्र टेंशन फ्री, और जितने बुजुर्ग देख रहे हैं सबका बुढ़ापा ऐसा हो, टेंशन फ्री है, बैठ के नजारे देखो, बच्चों को छिड़ा, बुढ़ी से लड़ाई कर ली बस बैठ से। आपने जाना है दावत पे के नहीं जाना, इफ्तारी पे जाना, जाना मैंने सुना आप डाइटिंग कर रहे हो, आपने नहीं जाना? नहीं डाइटिंग, मैं 4 बजे डाइटिंग शुरू की थी, रोजा रखा हुआ है सबका रोजा। अच्छा जी उम्मीद है आपके भी रोजे अच्छे जा रहे होंगे। अब सीन ऐसे है कि रेस्टोरेंट्स बहुत देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, कई जगहों पे हमें डिस्काउंट भी बड़ा अच्छा अच्छा मिलता है, लेकिन मैंने सेलेक्ट किया है एक रेस्टोरेंट किसी वजह से। एक तो खाना उनका बेहतरीन है, ठीक है, दूसरी बात यह कि घर पे मैंने क्यों नहीं की, घर पे इतनी इफ्तारियां, इतनी दावतें ऑलरेडी हो गई हैं कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि रजब भाई बस करो यार, घर से बाहर भी निकलो, क्या शेख बन गए हो, जबकि मैं शेख शूख नहीं हूं। मेरी कोशिश होती है कि अच्छा बन जाए जहां से भी बन जाए खाना, ठीक है। अब हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो तो हैं ही हैं, मामू, मामू की बेटी, उनकी बहू, उनका बेटा, फिर मेरी मामी, वो सारे तो हैं ही हैं। एक स्पेशल गेस्ट भी मैं बुला रहा हूँ जो कि कम ही आता है इफ्तारियों स्टूडियो पे, एटीट्यूड है ना ब्रो उसका, टाइम नहीं देता हमें, उसको भी बुला रहा हूँ, और उस रेस्टोरेंट से लेना देना भी बहुत पक्का किस्म का है उस स्पेशल गेस्ट का, उसको लेके जाएंगे, थोड़ा सा उसको याद दहानी करवाएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, याद करो किस्मत बदली थी यहाँ पर। तो अभी फिलहाल बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद टाइम थोड़ा सा ही रह गया, हमने उस गेस्ट को पिक भी करना है। भाईजान तेल चेल देख रहे हो क्या आपका भाई, चंपू नहीं लग रहा आज, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उस गेस्ट को पिक करेंगे, फिर मामूलों को मिलेंगे, लेकिन पहले क्रिकेट लाजमी है। चलो भाई बच्चों मेरी बारी, लाओ बैट इधर दो, शाबाश। यार ये मेरा ना बचपन से मसला है, मैं सिर्फ बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग करनी मुझे नहीं आती। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 6 बॉलें करवा दो, 1 बॉल बीट करोगे ना मैं तुम लोगों को बॉलिंग करवाऊंगा, वादा, ठीक है? चलो बॉलर कौन है, बॉलर कौन है, और तू वट्टे मारना है। ओए ओए अभी सेम तेरे जैसी एक और चीज देखी, दिखाऊं बोल, देखेगा? ओए यार चल तू तो मैं सेम है ही है, लेकिन सेम तेरे जैसी देखी, देखेगा? दिखाऊं? इधर आ, ये देख छोड़ इधर आ, ओए खड़ा हो, है कि नहीं सेम टू सेम, है कि नहीं, बताओ है ना, है ना? आए नहीं, बस खत्म, बॉलिंग करवा। अब तू गया, मैं तो 6 बॉल मैंने तो 6 बॉलें खेलनी थी, ये तो पहले ही मोए मोए हो गए। अभी तूने गुस्सा किया ना, तुझे मैंने चूस नहीं कहा, तूने गुस्सा किया, इतनी तेज बॉल करवाई है, ऊपर से बट्टा मार रहा है, ट्राई बॉल चलो। आ फिर एक फुटबॉल का मैच हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं है, मैं जिंदा
मेरी तख्ती बना लेती इतनी भारी क्यों है वाह कहाँ से आए आप लोग अभी प्यारा शहर में गया हूँ अरे बहुत भारी है ब्रो पकड़ जरा घर के बाहर लगनी है ना इसलिए घर के बाहर लगनी है ताकि जिन्होंने नहीं भी दसना भी पहुँच जाए बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है यार थैंक यू सो मच मेरी जान जबरदस्त यार कुछ खाओ पियोगे इफ्तारी कर लो रोजा जबरदस्त थैंक यू भाई ये बच्चे बना के लाए जी रजत भट्ट के नाम की तख्ती जबकि रजत भट्ट अभी जिंदा ही है थैंक यू भाई बहुत शुक्रिया आजा 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 मम्मा जी ये मम्मा जी की आले ये चेक करो तख्ती बन गई है मतलब मेरे दिन करीब ही अब तख्ती ओए मम्मा मम्मा यार क्या मम्मा मम्मा जी रोजा मारी जा रहे रोजे में तुम्हें तमीज नहीं है इसी बात मुंह से निकालती है यार मम्मा मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे जाता खुदा का खौफ किया कर जबली अच्छा मेरा रोजा है जो ऊपर आप रोजे से मारी जा रहे हो उसमें कुछ नहीं क्या करूँ तू बात ही ऐसी तख्ती तेरे घर के लिए बनी अपने घर पे लगा ना पाक जिंदगी सलामती करे तुम्हें शर्म ही नहीं आती आपने मेरी पूरी बात सुनी है मैं भी यही कहने लगा था मेरा घर करीब आ गया तूने बकवास की मैं समझ गई जो तूने कहा पागल ओ देवा हंस रहे थे बैठ के कैसी है उठा के दिखाओ उठा के दिखाओ उठा के दिखाओ हाय हाय क्या पत्थर है एक्चुअल पत्थर से बनी हुई सारी नहीं गत्तू पूरा पत्थर है ये चेक करो पूरा पत्थर बना हुआ माशाल्लाह 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 अच्छा घर के बाहर लगा दूं ताकि जिन्होंने एड्रेस नहीं भी दसना वो भी पहुंच जाए हम सबको बताते हैं किसी को रोकते नहीं हमारी अपनी आपको पता ही नहीं है मैं किस किस से छुपा के बैठा हूँ अपनी पूरी फैमिली को इस मगज में कितनी टेंशन आपको पता ही नहीं है अजानों का सदका तुम्हें मौला पंतन पा के साए में दिया इंशाल्लाह परेशान आपको लगता है ना फेम बहुत इजी है फेम बहुत मजे का है ऐसा नहीं होता अच्छा जी सीन ऐसे का मैं तो आपको बताना भूल गया मज मेरे लास्ट पड़ दिए डोले पे तो आगे से ऐसी शोल्डर पे भी पैर तेरे कितने भाई है तेरे कितने भाई तू दस नहीं सकता अच्छा जी सीन ऐसे है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि हम 1 मिलियन के बहुत करीब हैं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उसके ऊपर चढ़ के ठुड्डे नहीं मारे वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो ये सब कुछ कर लो ताकि हमारी वीडियो पे लाइक अच्छे हों हेटर्स को नजर आना चाहिए जो एंटी रजब फैमिली है उनको नजर आना चाहिए कि एक्टिव यूजर हैं वीडियो को लाइक लाजमी करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि रमजान के एंड तक हमारे 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएं और जो सरप्राइज मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था समझ लो कि 2-3 दिन के अंदर अंदर अनाउंस हो रहा है बिग मारने क्या छुट्टे नहीं मारने प्यार से कहना बज जा बार बार बज बार बार बज बार बार बज गया अच्छा जी छुट्टे नहीं मार रहे और दूसरी बात ये कि जो सरप्राइज आपको कहा है बिग अनाउंसमेंट के नाम से व्लॉग लगेगा स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है जो काम आपका भाई करने जा रहा है वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ही किया जाता है कोई यूट्यूबर अपनी ऑडियंस के लिए नहीं करता मेरी फैमिली मेंबर हैं इसलिए वो करने जा रहा हूँ अम्मा जी आपको काम बताया था ना पसंद आया कि नहीं आया बहुत खुश लेवल है कि नहीं लेवल मजा आएगा कि नहीं आएगा क्या बात है और तारीफ करो मेरी थोड़ी सी अल्लाह सच्चे दी तारीफ वही तारीफ दे लाएगा बेशक अच्छा जी भजन गर्मी आ गई यार गर्मी आ गई नहाते हैं कपड़े चेंज करते हैं स्पेशल गेस्ट को पिक करते हैं और पहुंचते हैं रेस्टोरेंट टाइम सिर्फ रह गया है जी घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा रह गया बस 1 hour later चलो जी मैं रेडी हूँ निकले यार क्या देर है क्यों खड़े हो सारे जाना नहीं है मेरे थप्पड़ तेरे को मारना अब क्यों मैंने क्या किया इफ्तारी करवा रहे मेहमान वहाँ पहुँच गए तू अभी तक घर बैठा हुआ है यार अच्छा आप सब रेडी हो जी माय मिस्टेक चलो 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 लैपटॉप पकड़ लिया गुड हो गया निकलो हरिया चलो जी चले यार वैसे गलत बात बहुत गलत बात है 6:45 घर हो रहे हैं 6:30 बजे इफ्तारी हो जानी है मेहमान हमसे पहले पहुंच जाए तो कितनी ज्यादती है मेरे मामू है माफ कर देंगे कोई और होता तो गालियां देता मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद ओके जी घर से निकल चुके हैं क्या हुआ मारने को तुम्हें दिल कर रहा है मैं इतना गुस्सा आ रहा मुझे यार मम्मा क्या हो गया मैंने कहा तू जाके पहले ले आ तूने सारा काम लेट कर दिया मेहमान वहाँ पहुँच जाएंगे हम अभी भाई बैठे यार पहले मैं जाता स्पेशल गेस्ट को लेने फिर वापस आता फिर आपको लेता फिर रेस्टोरेंट जाते हैं हम एक ही चक्कर लगा लेंगे मैं मोबाइल पे थोड़ा सा काम कर रहा था लेट होगा क्या होगा मेरे मामू यार माफ कर देंगे इतना गुस्सा इसलिए चढ़ रहा है इनको क्योंकि इनके भाई की दावत है ना इनके भाई के बेटे की दावत है उनको इंतजार करना पड़ेगा बहुत बड़ी शय मामा जी आप बहुत बड़ी शय हम हर जगह पे ही लेट जाते हैं कभी आपने इतना गुस्सा तो नहीं किया आज अपने भाई की दफा इतना गुस्सा क्यों आखिर क्यों जज साहब चुप अच्छा मेहमान कोई भी हो उसको वेट नहीं करते ओके आई एम सॉरी अच्छा जी स्पेशल गेस्ट है आपकी भाभी और जो रेस्टोरेंट है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मेरा निकाह हुआ था भाई जान आया चलते हैं जी ईमान को पिक करते हैं ईमान को पिक करने के बाद पहुँचते हैं रेस्टोरेंट मेरे मामू पहुँच चुके होंगे यार लो जी मेरे सनरूफ के पैसे पूरे हो गए जान मजा आ रहा है वाओ चल ईमान आया ईमान चौधरी आया छेती कर बड़ा लेट हो गए छेती कर आया
आजा आजा जल्दी का जल्दी जल्दी हरिया भरिया लेट करवा दिया ना जल्दी आ जल्दी। हाँ हाँ बैठ बैठ उधर से आ उधर से आ उधर से आ उधर से आ। ये मिनसा कुछ कह रही है। बोलो आई एम फाइन बोलो आई एम फाइन। आई एम फाइन नहीं कहना था उसको यार कभी तो टाइम पे आया करो ईमान। आजा बच्चों जल्दी आओ। तो यार एक ही बात है क्या हो गया खैर है जी ईमान साहेब क्या हाल है लेट करवा दिया ना। तुम्हारे लिए क्या है तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह है इसलिए तुम्हें याद की यार ऐसी बात फजूल ना करो क्यों मुझे गालियां पड़वानी है लोगों से तुम खुद ही नहीं जाती कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती कभी तुम सो रही होती हो कभी तुम कहती हो चले आप चले जाएं मैंने क्या करना जाके है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है आज स्पेशल है ना और वैसे भी तुमने जिसको सुरमा डाला था ना याद है उसकी दावत है उसकी दावत है और जिस जगह पे दावत है मैं वो जगह तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वहां पर एक अनहोनी हुई थी चलते हैं तुम्हें दिखाता हूँ ठीक है धाना वहां सफर कर लगी होगी। 6:16 हो गए हैं 10 या 12 रह गए हैं इफ्तारी में और अभी भी मुझे 10 लग जाएंगे रेस्टोरेंट पहुंचते पहुंचते। A few moments later. चलो जी पहुंच गए हैं। ये तो रेस्टोरेंट आते ही लड़ाई हो गई है रेस्टोरेंट आते ही लड़ाई हो गई है हैं? सानू घर को आता अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई ठीक हो मेरा मिट्टो मेरा काका मेरा छो ना मैंने अपने मामू के बेटे की दावत की भी है बैठो बैठो मैं मिलता हूँ आपको। Yes. भट साहब आज अफतारी खुल गई। हाँ जी मामू मेरा तपिया आया अफतारी खुल गई। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है दूल्हे मियां आई एम सॉरी मनु माफ कर दे अल्लाह की कसम मनु माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक हो क्या हाल है खाला ठीक हो मामू कुछ है मामू गुस्से जी बैठे मामू जी अच्छा चल तेरा भैन नु मिलन शायद थोड़ा इजी हो जाए क्या हाल है तमली ठीक हो किधर है वो बहुत की तरह स्मार्ट गर्ल की तरह ओए नजर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मामू जी की हाल है ठीक ठाक हो मामू मनु माफ कर दियो सॉरी दे आ रोदा खुल गया अल्लाहुम्मा सल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुका सिहादिसा फिकुलेसात वलियों वहाफिदों वकायदों محمد محمد تم نے پڑھی تو ہے نہیں نیت تو کی نہیں تم نے ایمان نیت کی ہے کب کی ہے دل میں اللہ میں تو والے کا توکل تو والا اچھا جی فائدہ یہ ہو جاتا ہمارا روزہ 10 بعد افطار ہوتا ہے हम लोग 10 बाद ही पहुंचते हैं अपने रोजे की इफ्तारी से 1 पहले पहुंच जाते हैं। ओके जी इफ्तारी के मेन्यू में हमारे पास हैं जी रोल आ गया ये आ गया जी डायनामाइट चिकन ये आ गया जी चीज़ बॉल पोटैटो बॉल्स उसके बाद ये आ गया मैश पोटैटो ये आ गया एग फ्राइड राइस ये आ गया जी हमारा कैशो नट और ये आ गया एक और चाइनीज डिश जिसका मुझे नाम नहीं आता आप डालें डालें इजी डालें कोई मसला नहीं है और ये पता नहीं क्या है अभी ये ना किड्डे औखे औखे ना आए तारागोन चिकन तारागोन चिकन एडे ओके ना हूँ मेरा अगर बंदा किस तरह पड़े सरकार है कि नहीं मसला है ना। अच्छा जी ये आ गया जी चाउमीन ये आ गया पास्ता ये आ गया जी मटन पुलाव और ये क्या है ये फेवरेट बाबा जी आया 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 ये आ गया मलाई बोटी नान ये आ गया मटन मेरा खान जी मटन कढ़ाई मटन की पहचान आपके भाई को है पापा जी हाथों ला सरकार हाथों ला शुगर का भी ख्याल करना नमकीन चीज़ें भाई मिठी भाई को ये आ गया कबाब मसाला ये आ गया पालक पनीर ये आ गई मद्रासी हांडी और इसके अलावा 6-7 आइटम्स और हैं जो कि अंदर लगी हुई हैं लेकिन अंदर रश इस तरह है जैसे बारात खुली हुई है। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाबाश भट साहब शाबाश जबरदस्त हाँ जी मामू ऑल गुड मिलता मैं वेला अच्छा मैं भी मिलती हूँ अभी आपसे खाना खा। चलो जी पता नहीं किन्ने किन्ने मिलना मनु खैर हो सही। अच्छा जी ये आ गई मेरी प्लेट सलमान बड़ा ही मजे का सीन हुआ अभी सालन डालने गया हूँ ना वहाँ पे मैं ना सालन डाल रहा ठीक है एक सब्सक्राइबर आके पास खड़ा हो गया अपना फैमिली मेंबर ही था ब्लॉग वगैरह देखता था मैं मटन पा रहा था मैं हाथ रोक लिया मैं कहा जी बस ठीक है थैंक यू कहता रहा जब भी डालने कोई बात नहीं मैं पता आप ज्यादा खाते हैं मुरम्मत ना करें मैं कह यार मैं तो तेरे सामने इज्जत रहा हरा सामने को थोड़ा खावा कहता खा ले कोई बात नहीं मैं पता आपका मजा आए साहब
ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਤੁਹਾਰਾ ਤੁਮ ਆਈ ਟੀ ਕਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਖਾਤੀ ਤੁਮ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੈਰ ਹੈ हाँ जी ये मेहमान पहले आ गया और मेजबान बाद में आया इसकी तुम्हें सजा मिलेगी चलो उठे बैठे करो यादव उठे बैठे करो अभी मजा आएगा ना भिड़ो कोई बात नहीं खैर आप उठे बैठे करो टेंशन में नहीं पकड़े दो तीन चार पाँच चलो बात बात से ये जी सबक मिल गया कि पहले मेहमानों से पहुंचना चाहिए पाँच मिनट लेट आया ना तो पांच उठक बैठक मामू की तरफ से सजा मिली है कि मेहमानों को पहले नहीं पहुंचाते पहले खुद पहुंचते हैं ठीक है मामू अब नाराज तो नहीं क्या हुआ खैर चलो हाँ जी बोलो क्या हुआ आपको याद है क्या मुझे बिल्कुल याद है आपको नहीं याद मुझे तो याद है मैं आपसे पूछूं मुझे याद है क्यों टेस्ट कर रही हो भजन जहाँ पर हमारा निकाह हुआ था सेम इसी जगह पे हमारा निकाह हुआ था स्टेज लगी हुई थी यहाँ पे जहाँ आज बफे लगा हुआ यहाँ हमारा निकाह हुआ था क्यों पूछ रही हो तो आप इसलिए कह रहे थे कि अनहोनी हो गई थी वहाँ जाके नहीं अनहोनी नहीं मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था कि जहाँ पर हमारा निकाह हुआ था उसी जगह पे साथ वाला टेबल बुक करवा के तुम्हें खाने पे लेके आया हूँ तुम कह रही हो कि अनहोनी हुई थी अनहोनी तो मेरे मुँह से निकल गई थी बच्चिया ने तरह नाराज हूँ मैं नहीं बोलती आपसे और क्या हो गया नाराज नहीं होते होते और मेरी बात तो सुनो क्या हुआ अच्छा जी इफ्तारी हो गई शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हो गई मामू भी नाराज नहीं है सजा हमने बहुत ली अब ईमान नाराज है उसका कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा बिल देते हैं फिर निकलते हैं चले भाई दिल काट लें जी भाई साहब एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सवाल उससे पूछे जो फर्स्ट टाइम आया हो मैं तो एडिक्टेड हूँ इफ्तारी में फर्स्ट टाइम आया हाँ इफ्तार फर्स्ट टाइम की है बहुत जबरदस्त ऑल गुड हर बार की तरह ओके मामू जी बाय बाय अल्लाह हाफिज होती मुलाकात इंशाल्लाह दोबारा टेक केयर ओके बच्चो ओके स्मार्ट गर्ल ओके मामी ओके न्यूली मैरिड कपल ओके मान अल्लाह हाफिज बाय बाय ये वापसी पे छोड़ देना यार रस्ते में इसको ठीक है ये नाराज है मुझसे आप लोग ड्रॉप कर देना मेरी तो गाड़ी में बैठेगी नहीं क्यों हाँ नाराज है आपकी गोद में बैठी जाएगी अच्छा फुल है आप लोग चलो आ जाओ यार मेरे साथ जाना पड़ेगा अच्छा मतलब मैं ऊपर करा ला फिर चलो जी ओके जी निकल चुके हैं घर के लिए लेकिन पहले आपकी भाभी को ड्रॉप करना है लेकिन ड्रॉप करने से पहले नाराज है यार वो मम्मा ईमान नाराज है मेरे से यार क्यों बताओ भाई क्यों नाराज हो अब मेरे मुंह से निकल गया था क्या हो गया यार तुम तो सीरियस ही हो गई हो शोका तेरा ब्याह हो गया हैं तेरे को उसने कुड़ी दे दी क्या शोका तेरे को उसने कुड़ी ने पसंद कर लिया हाय हाय टू मिनट साइलेंस कोई बात नहीं ठीक है माँ है कह सकती है चलो यार ईमान ठीक है खत्म करो बात को क्या हो गया तुम तो यार लड़ने लग गई हो मजाक कर रहा था मैं सही कर रही है मम्मा जी आप उसको जो है ना जलती को आग ना दें उसको घर भी ड्रॉप करना है नाराज ही का ड्रॉप करना फिर उसको नहीं मैं नाराज नहीं उसको जाने दूंगी इंशाल्लाह अपनी बच्ची को मना लूंगी तूने गलत किया ना चलो ठीक है सॉरी यार ईमान सॉरी यार ओके लफज सोच के बोलने चाहिए बेटा ओके लफज सोच के ईमान सॉरी ओके अब ठीक है ठीक है चलो यार नहीं ये इट्स ओके इसने सही से माफ नहीं किया सारे मेरी सिफारिश करो यार पापा मम्मा अब ऐसे गर्दन काट पुत्र ओए होए होए माफ कर दियो ईमान साहब माफ कर दियो छोड़ के बच्चा मान गए अब सब कह रहे हैं तो मैं पारा दे बैगी नाल लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए ठीक है ना मेरी बेटी बहुत बड़े दिल की मालिक अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा दिल और बहुत छोटा कद अब तू गया बेटा अब तू गया देखते ओहो मैं मजाक कर रहा यार मेरी आदत है यार मेरी आदत जूते मार रही है क्या हो गया फिर नाराज हो चलो हूं नाराज ही घर जाओ फिर कोई गल नहीं अच्छा चलो फिर सॉरी यार फिर सॉरी बहुत लंबा कद है ईमान का ठीक है ओके मेरा अपना नहीं लंबा तो तेरा कितना लंबा होना अच्छा मेरी बात सुनो आज जो अवैस ने धूड़े पुटी है वहाँ पे ओए होए 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 ओ प्लेटा चुकन आ गया अवैस छड़े ही ना अवैस ने कहता यार एक मिनट तेरी मेहरबानी कहता भाई बुफे का टाइम कहता उसने कहा भाई बुफे का टाइम खत्म हो गया कहता यार सिर्फ दो मिनट और दे दो मिनट वैसा यकीन करो पैसे पूरे आपने किया मैं पूरा पूरा राजी हूँ आपसे ईमान ने तो पैसे जाया करवाए यकीन करो खाती कुछ नहीं है लड़कियाँ इतना ही खाती सोनी लगती हाँ चलो जी नाराजगी खत्म हो गई है आपकी भाभी को ड्रॉप करते हैं उसके बाद निकलते हैं घर चल भाई ईमान
तेरा स्टॉप आ गया बाय बाय। मेनु कसम जरा नहीं पसंद है आ गया स्टॉप। निकाह हो गया है, सही ब्याह हो गया, मेरी बच्ची छोड़ यार मेरे को रहन दे मेरी कसम। चलो जी अभी तो जा लेने दो, करते हैं कुछ। थोड़ा टाइम रह गया, बाय बाय। चलो वो भी टिकी हो गई है, जाओगी तो फिर वो चुप होंगी। अच्छा चलो थोड़ा सा टाइम रह गया, ओके क्या उसको जा लेने दो। ओके भाई बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओए ओ छोड़ो, क्या हो गया? ध्यान से जरा बोलना इस तरह। क्या हुआ, क्या बोला मैंने? तूने ही बात को क्यों कहा, वो लड़कियों के दिल इतने नरम से होते हैं। चलो आपको ये 150 साल बाद याद आ गई है। अभी वो उतरी है, उसको घर छोड़ा तो मैंने आपको कहा कि दोबारा ऐसा गलती ना करना। मम्मा मुझे दोबारा कान दोबारा खेल, मेरी बात सुन लो, आज के बाद मेरे कान को आसना लगाना, ठीक है ना? अच्छा हाँ, आज के बाद कहा है, अभी हो रहा है गाड़ी चलाने तो यार आप फौरन अपनी बुड्ढी को डिफेंड करने आ जाते हो। बात ये बेटी नहीं, बच्चियों के दिल बड़े नाजुक होते हैं जान, और इस तरह की कंडीशन में ज्यादा होते हैं कि अभी वो निकाह हुआ घर नहीं आई। और मैं मजाक कर रहा था, क्या हो गया, क्यों बात को सीरियस रुख दे रहे हो आप? मजाक नहीं करना आगे से। अच्छा नहीं करना बेटी, जी 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 ठीक है, जी 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 जी। चलो जी ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके जी। हाँ जी बताओ। मैं आपको बता दूं, जैसे आज ईमान को बोला ना आपने, ऐसे नहीं बोला, जैसे मुझे गजल प्यारी है ऐसे मुझे ईमान भी प्यारी है। मैं तेरी मान तेरे सामने नहीं, तेरे मैं क्या तो तू जरा कंट्रोल थोड़ा करनी है। क्या कर दिया मैंने, क्या किया मैंने? जो कहा नहीं है मम्मा तेरी ने किया। हाँ। बारे में तू बोलेगा यार, मैं मजाक कर रहा था, बच्चों के सामने बिस्ती करी जा रहे हो यार, मेरी पापा क्या हो गया? ऐसी बात नहीं आगे दोबारा करना, मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी ठीक है, ठीक है सर, ओके सर ओके। ईमान दी आर्मी बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग आर्मी है भाई। मैं तो मजाक से एक लफज क्या है कि जहां पर एक अनहोनी हुई थी वो तो फड़ी गई गल मेरी। अच्छा जी व्लॉग को फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मामू के बेटे की दावत बहुत देर से पेंडिंग हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज खत्म हो गई। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हम 1 मिलियन के बहुत करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप मेहरबानी।